Hello student, welcome to online classes of Angan Public School. And today we will study of GK. GK means general knowledge. Students, आपको पता होगा कि already हमारा जो semester 1 है वो finish हो चुका है. Okay, so now आज से हम start करेंगे हमारा new semester जो कि है semester 2. Okay, and now students semester 2 में 18 number का unit है time and clock. Okay, आज से हम new unit जो है वो start कर रहे हैं और उसका name है टाइम एंड क्लॉक. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी क्लॉक्स यहाँ पर दी हुई हैं. ओके, एवरी क्लॉक यूजली हैज़ थ्री हैंड्स. ओके, मोस्ट ऑफ क्लॉक्स में आपको पता ही होगा कि जो भी क्लॉक होती है उसमें कितने हैंड होते हैं, थ्री हैंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक आवर हैंड होता है, नाउ मिनट हैंड, एंड जो थर्ड नंबर का होता है वो है सेकेंड हैंड. सो आप देखो इसमें आवर हैंड कौन सा है, ये जो ब्लैक कलर का है स्मॉल साइज में, वो टू पर जो है स्टूडेंट वो है आवर हैंड. ओके, एंड नाउ जो 12 पर है वो है मिनट हैंड, एंड नाउ ये जो रेड कलर का है स्टूडेंट तो वो है सेकंड हैंड. ओके, सो क्लॉक में कितने हैंड होते हैं? आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड. ओके, तो टोटल कितने हुए? थ्री हैंड. नाउ 60 सेकेंड्स. ओके, 60 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट, सॉरी 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड. ओके, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट कंप्लीट होने में 60 सेकेंड होते हैं, एंड 1 आवर कंप्लीट होने में 60 मिनट्स होते हैं. तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर. नाउ देर आर 12 नंबर्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक. क्लॉक जो होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 12 नंबर्स. आप देख सकते हो 1 से लेके 12 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. ओके, नाउ अभी 15 मिनट. 15 मिनट इट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो आवर होता है, ओके, आवर का 1/4 पार्ट होता है. कितना होता है? 1/4 पार्ट. ओके, 1/4 पार्ट, यानी 1 आवर का कौन सा पार्ट होता है? वो 4th पार्ट. नाउ 30 मिनट. 30 मिनट कितना होता है स्टूडेंट? 1 आवर का सेकेंड पार्ट. बिकॉज 1 आवर जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है. ओके, तो हाफ होगा तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा. एंड नाउ 4th पार्ट, इट मीन्स के 15 मिनट. ओके, क्या है 15 मिनट? यानी आवर का 4th पार्ट, एंड 30 मिनट यानी कि आवर का सेकेंड पार्ट. ओके, एंड नाउ फिर उसके बाद है 45 मिनट्स. 45 मिनट्स मीन्स के 15 मिनट्स, 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स. ओके, तो हो जाएंगे 45 मिनट्स, और ये होगा 3/4 पार्ट. नाउ देर आर इंग्लिश नंबर इन द मोस्ट ऑफ द क्लॉक. क्लॉक जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ इंग्लिश नंबर्स होते हैं. वी कैन टेल टाइम बाय सीइंग द पोजिशन ऑफ द आवर एंड मिनट हैंड. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी देख सकते हो यहाँ पर कि सब क्लॉक्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. ओके, सो नाउ अब ये जो क्लॉक के जो पिक्चर्स हैं उनके बेस्ड पर हम थोड़ा समझते हैं. ओके, जो फर्स्ट नंबर है, ओके, फर्स्ट नंबर का जो क्लॉक है, अब देखो उसमें कितना टाइम हो रहा है, कितने आवर हो रहे हैं, ओके, कितने मिनट्स हो रहे हैं, वो हम देखते हैं एक बार. ओके, सो नाउ फर्स्ट क्लॉक है हमारा, द आवर हैंड इज ऑन 2 एंड. ओके, अभी जो आवर हैंड है स्टूडेंट वो किसके ऊपर है? आप देख सकते हो यहाँ पर 2 के ऊपर. ओके, एंड मिनट हैंड जो है वो है 12 के ऊपर. मिनट हैंड किस पर है स्टूडेंट? आप देखो यहाँ पर 12 पर. ओके, तो आपको क्या करना है जब आपको मिनट फाइंड करनी हो कि मिनट्स कितनी हो रही हैं, तो आपको क्या करने का, जो मिनट्स का हैंड है, ओके, उसको अच्छे से देखो कि वो कौन से नंबर पर है, वो कौन सी प्लेस पर है. तो वो 12 पर है. ओके, तो मिनट का हैंड जो भी प्लेस पर हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, क्या करना है आपको? मिनट का हैंड जिस भी नंबर पर हो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इजीली मिनट्स मिल जाएंगे कि टोटल ऑफ मिनट्स कितनी है. ओके, तो जिस तरह से ये जो है 12 पर है, तो 12 5 कितना मिनट्स हो गया? 16 मिनट्स. 60 मिनट्स मीन्स के क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 आवर. नाउ अभी देखो स्टूडेंट सेकेंड नंबर का क्लॉक देखो आप, आवर हैंड किसके ऊपर है? मिडल. ओके, 2 एंड 3 के बीच में है. ओके, सो आवर हैंड इज द मिडल ऑफ 2 एंड 3, एंड मिनट हैंड इज ऑन 6.
मिनट हैंड जो है स्टूडेंट वो 6 पर है। तो एज इट इज़ जैसे कि मैंने आपको बोला है पहले भी कि जब भी आपको मिनट्स फाइंड करने हो तो क्या करने का, मिनट का हैंड जिस पर भी है ओके जो भी नंबर पर दिया हुआ है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इजीली मिनट पता चल जाएगी कि टोटल ऑफ मिनट्स कितना है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मिनट का हैंड 6 पर है तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 मिनट ओके। तो कितना हो जाएगा 30 मिनट्स हो जाएगा। नाउ अब देखो टाइम कितना हो रहा है, टाइम 2 आवर एंड 30 मिनट्स ओके। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2:30 बिकॉज आप देखो यहाँ पर 30 मिनट है, 30 मिनट हो तो आपको क्या राइट करना है वहां पर 2:30। और वो किसको पास्ट कर रहा है, कौन से नंबर को पास्ट कर रहा है, तो वो 2 को पास्ट कर रहा है। तो इसलिए हम या तो ऐसा भी बोल सकते हैं टाइम के 2 आवर 30 मिनट्स ओके, तो ये भी करेक्ट होगा। एंड नाउ आप इस तरीके से राइट करोगे कि 2:30 तो वो भी करेक्ट होगा ओके। नाउ अब सेकेंड थर्ड नंबर का है जो स्टूडेंट क्लॉक उसको आप देखो अच्छे से, आवर हैंड बिटवीन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स हमारा जो आवर हैंड है, स्टूडेंट हमारा जो आवर हैंड है ओके वो आप देख सकते हो 1 एंड 2 के बीच में है ओके। एंड मिनट हैंड इज ऑन 3, मिनट हैंड जो है वो किस पर है 3। तो आपको ये मिनट फाइंड करनी कि मिनट कितनी हो रही है, तो क्या करोगे आप, मिनट का हैंड किस पर है 3 पर है ओके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितने मिनट्स मिलेंगे आपको, 15 मिनट्स। सो टाइम कितना हो रहा है 1 आवर 15 मिनट्स। या तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि टाइम हो रहा है अभी 1 आवर 15 मिनट्स, या इस तरह से बोलोगे तो भी राइट होगा कि 1:15 बिकॉज वो 1 को 15 मिनट पास्ट कर रहा है ओके। तो 1:15 15 मिनट का डिफरेंस आता है तो आपको क्वार्टर लगाना है ओके। एंड 30 मिनट का डिफरेंस आता है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर 1/2 मार्क करना है। नाउ अब नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट हम, नेक्स्ट वाला आप क्लॉक देखो, आवर हैंड इज बिटवीन 5 एंड 6। अभी स्टूडेंट आवर हैंड जो है आप देख सकते हो यहाँ पर के वो 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के मिडल में है। सो मिनट हैंड इज ऑन 9, मिनट हैंड किस पर है 9 पर। तो एज इट इज क्या करना है आपको, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपको मिनट्स फाइंड हो जाएंगे कि कितनी है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना होगा 45 मिनट्स। सो टाइम कितना हो रहा है 5 आवर 45 मिनट्स, ये भी करेक्ट है ओके। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1:45 ओके, 1:45 मीन्स के 6 बजने में अभी 15 मिनट्स लेफ्ट है ओके। नाउ अब नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट हम पेज नंबर 29, एंड ये जो नेक्स्ट क्लॉक है उसको देखो आप, आवर हैंड इज ऑन 3, आवर हैंड किस पर है स्टूडेंट्स 3 पर। मिनट हैंड इज ऑन 1, मिनट हैंड जो है वो किस पर है 1 पे ओके। तो आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स फाइंड करनी है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा 5 मिनट्स। एंड नाउ टाइम कितना हो रहा है 3 आवर 5 मिनट्स। आप ऐसे भी कह सकते हो कि टाइम हो रहा है अभी 3 आवर 5 मिनट्स, या तो फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 5 मिनट पास्ट 3, 3 को कितने मिनट पास्ट कर रहे हैं 5 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट, आवर हैंड इज बिटवीन 8 एंड 9, स्टूडेंट्स आवर हैंड जो है वो किसके बीच में है 8 और 9 के बीच में है ओके। मिनट हैंड इज ऑन 5, मिनट हैंड जो है वो है 5 पर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 25 मिनट्स। तो टाइम कितना हो रहा है 8 आवर 25 मिनट्स। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 25 मिनट पास्ट 8, 8 को 25 मिनट पास्ट कर चुके हैं। नाउ अभी नेक्स्ट लेंगे हम, आवर हैंड इज बिटवीन 4 एंड 5, आवर हैंड किस पर है 4 एंड 5 के बीच में है। एंड मिनट हैंड इज ऑन 8, मिनट हैंड जो है वो 8 पर है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 सो कितना आएगा 45 मिनट्स। 8 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज 45 मिनट्स। सो टाइम कितना हो रहा है 4 आवर्स 40 मिनट्स। या तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो कि 40 मिनट्स पास्ट 4
इट मीन्स के 4:40 हो चुके हैं. ओके okay? या तो फिर 5:20 या तो 5 बजने में 20 मिनट्स लेफ्ट है. ना अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज दिए हुए हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1, सी द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट द टाइम अंडर ईच क्लॉक. ओके, तो अभी आपको ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट 2-3 जो क्लॉक्स है, वहां पर आपको क्या करना है, टाइम शो करना है. ओके, क्लॉक को अच्छे से देखना है एंड नाउ आपको टाइम शो करना है. सो फर्स्ट क्लॉक में आप देखो एग्जैक्ट 3:00 हो रहा है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3:00. ओके, नाउ अभी सेकेंड नंबर देखो कितना हो रहा है, 7 और 8 के बीच में है. ओके, तो 7:15 या तो ऐसे भी कह सकते हैं हम के क्वार्टर पास्ट 7. नाउ जो थर्ड नंबर है वो है 10:45, सो क्वार्टर 2:11. एंड नाउ स्टूडेंट, नीचे जो दिया हुआ है वो है आपका होमवर्क. यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो क्लॉक्स दी हुई हैं ऑलरेडी आप देख सकते हो, इसका टाइम राइट किया हुआ है. आपको क्या करना है, जो क्लॉक्स दी हुई है उनके हैंड ड्रॉ करने हैं. ओके, कौन कौन सा हैंड ड्रॉ करना है, आवर, मिनट एंड सेकंड के. तो ये आपका होमवर्क है. एंड स्टूडेंट, आपको होमवर्क में क्या करना है, आपका जो नोटबुक है ना, तो नोट जीके का जो नोटबुक है उसमें आप क्या करोगे, ये जो मैंने अभी आपको यूनिट नंबर 18 टाइम एंड क्लॉक, ओके, जो भी करवाया है पूरा का पूरा आपको वो आपका नोटबुक है, वो नोटबुक में राइट करना है. क्लॉक आप चाहो तो स्क्वायर में भी ड्रॉ कर सकते हो या चाहो तो आप सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, एंड यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपका जो होमवर्क है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. ओके, एंड स्टूडेंट, ये सेमेस्टर 2 का वर्क आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, देखो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे सपोज आपका ये जीके का नोटबुक है, ओके, तो जीके में क्या करना है स्टूडेंट, आपको पार्ट बनाना है. उसमें भी सपोज ये फर्स्ट सेमेस्टर का वर्क था, नाउ सेकेंड सेम का हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले इस तरह से पेज फोल्ड करो. ओके, नाउ पेज फोल्ड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप राइट करो के सेमेस्टर 2. ओके, एंड नाउ फिर एज इट इज जो आप वर्क स्टार्ट करते हो आपका, सबसे पहले आप टाइटल डालते हो, चैप्टर का नेम मेंशन करते हो. ओके, एंड नाउ फिर आप वर्क करना स्टार्ट करते हो, तो एज इट इज आपको आपका जो वर्क है वो करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका जीके का वर्क. ओके, एंड नाउ इसी के साथ हमारा जो जीके का लेक्चर है स्टूडेंट वो ओवर होता है. ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन.